प्रश्न नंबर चार का तीसरा, वर्ष के अंत में निम्नलिखित आय मिलना बाकी है। अभी फेज से पहले हमने सीखा था खर्च चुकाना बाकी हो तब उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, वार्षिक हिसाब पर असर कहाँ होता है। इसमें हम सीखेंगे कि अगर मिलना बाकी हो तो उसकी असर वार्षिक हिसाब पर कहाँ होता है। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह तोमर, आपका सिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से देख सकते हो और हमारा 15,000 का सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे उम्मीदवार का प्रीमियम लिखा है 2,000 और कमीशन है 1,000, ये मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है तो इसके असर हम देखते हैं, प्रविष्टि करते हैं और लाभानी और वार्षिक हिसाब पर यानी आर्थिक चिट्ठा पर कहाँ असर होता है चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर समायोजन प्रविष्टि करते हैं तो इसकी समायोजन प्रविष्टि कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे मिलना शेष उम्मीदवार का प्रीमियम खाता उधार। तो उधार में हम लिखते हैं कितना था हमारे पास, तो 2,000 रुपये था, तो 2,000 रुपये लिखते हैं, यहाँ भी 2,000 रुपये लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उम्मीद बार का प्रीमियम यम खाते का। ओके, तो ये हमारे लाभानी में अगर जमा में लिखा, इसमें हम लोग जमा में लिखा है। अब लाभानी पर इसका असर देखते हैं कहाँ पर होगा। तो लाभानी तो यहाँ पर हमने देखा था कि खर्च चुकाना बाकी हो तो हम लोग लाभानी के उधार साइड लिखते हैं, और मिलना बाकी है तो हमारी आय होती है तो हम लोग जमा साइड में लाभानी के खाते में जमा साइड में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मिलना शेष उम्मीद बार प्रीमियम खाता कितना लिखेंगे, 2,000। अब उसको आर्थिक चिट्ठा यानी वार्षिक हिसाब पे कहाँ लिखा जाता है, तो वार्षिक हिसाब में उसको जमा में लिखा जाता है, क्योंकि खर्च चुकाना जो है हमारा दायित्व होता है। अगर खर्च चुकाना बाकी है तो हमारा दायित्व है, इधर दायित्व है और इधर संपत्ति है। तो मिलना शेष है यानी वो हमको कभी ना कभी मिलेगा, तो वो हमारी संपत्ति हो जाती है, इसलिए संपत्ति में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, मिलना शेष उम्मीद वार प्रीमियम खाता 2,000। अब हम दूसरा देखते हैं, तो हमारे पास दूसरा जो दिया था वे कमीशन का दिया था, अगर कमीशन मिलना बाकी हो तो इसकी प्रविष्टि और क्या बोलते हैं असर कहाँ पर होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर तो पहले सबसे पहले प्रविष्टि करते हैं, तो प्रविष्टि में हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम मिलना शेष कमीशन खाता। तो मिलना शेष कमीशन खाता हमारे पास कितना है, 1,000 का है। और उसके बाद लिखेंगे कमीशन खाते का कितना है, 1,000। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर चुकाना बाकी हो तो उधार साइड और लाभ हानि के उधार साइड लिखते हैं, और मिलना शेष हो तो हमारी आय होती है, आय जितना भी है हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम विवरण में यहाँ पर लाभ हानि के जमा साइड लिखते हैं। तो हम लिखेंगे मिलना शेष कमीशन खाता कितना है, 1,000। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि मिलना शेष कमीशन 1,000 है, उसी प्रकार से हम ये हमारी संपत्ति है, आय मतलब हमारी एक संपत्ति है, इसलिए हम लोग आर्थिक चिट्ठा के कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखेंगे, इधर साइड पूंजी संपत्ति लेने में लिखेंगे मिलना शेष कमीशन खाता 1,000। ओके, इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।